थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बेटा पर लगाकर तरक्की की आखिरी सीढ़ी पर चढ़ गया और आप नीचे बैठकर बहादुर बाप की तरह देख रहे हो। सीढ़ी तो हवा में खड़ी। अम्मी को जिंदा रहने के लिए अफजल की जरूरत है, वो तो अब आ नहीं सकता। तुम आ जाती हो तो अम्मी को लगता है अफजल आ गया है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता यास्मीन। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। आखिरी बार चाय तो पी लो। आखिरी बार तो नहीं, फिर आओ ना। आओगे तो फिर पिला दूंगी, लेकिन आज मेरी तरफ से आखिरी बार। मैंने कहा था ना कि मैं ऐसा हो गया हूँ कि छोटी सी बात पर शीशे के बर्तन तोड़ देता हूँ। ये तो नहीं कहा था कि दिल तोड़ देते हो, लेकिन अब टूट गया तो टूट गया। दिल ना से ही शीशे का बर्तन ही से। आओगे या जाओगे? चाय पी कर जाऊंगा। वो तो आप तोड़ ही देती हाँ, फिर जोड़ती रहती बैठ के। और सच बात तो यह है कि मुंह आपने तोड़ दिया तो गया था वो, और अब बैठकर जोड़ती रहती। लेकिन आपको पता नहीं मिस फरा इब्राहिम, मर्द के बच्चे का मुंह तोड़ दो तो बाद में सब चीजें जुड़ जाती हैं, बस एक टूटी हुई नाक नहीं जुड़ती। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। ये तो खैर तुम्हें पता ही होगा, उस कमीने सिप्तैन के बारे में सोच रही हूँ। जी नहीं, तुम ये सोच रही हो कि तुमने अफजल का मुंह क्यों तोड़ दिया, और अगर उसका मुंह तोड़ ही दिया था तो उसकी नाक नहीं तोड़नी चाहिए थी। तो वो सारी बातें बताता है तुम्हें? कौन? वो कमीना सिप्तैन। और कौन? अरे नहीं नहीं, ये साइकाइट्रिस्ट लोग बड़े प्रोफेशनल होते हैं, अपने पेशेंट की बातें किसी और से शेयर नहीं करते। फोन नंबर दो उसका। अरे रहने दो ना फरा, इस तरह अच्छा थोड़ी लगता है। एक दिन में दो दो दफा मिलोगी तो अब्बा क्या सोचेंगे। तुमसे किसे कहा मैं मिलने के लिए फोन कर रही हूँ उसे? तो अच्छा, बात करने का दिल कर रहा है? ओह दैट्स सो स्वीट। चलो ये लो, मेरे नंबर से कर लो। जी लुबना। लुबना के बच्चे?
फरा बोल रही हूँ। रुकिए, ठहरिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। कहाँ आ रहे हो तुम? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपने मुझे अभी लुबना का बच्चा कहा। And this is a case of complete memory loss. दुबारा इस घर में पैर भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। Listen, I have to tell you, this is very insulting, but मेरे प्रोफेशन में ऐसी चीजें होती रहती हैं। तुम्हारे प्रोफेशन की तो ऐसी की तैसी। दुबारा यहाँ टपके ना तो टपका डालूंगी तुम्हें। भूलना मत, परा इब्राहिम नाम है मेरा। ऐसी ऐसी गालियां दूंगी कि तुम तो क्या, तुम्हारे प्रोफेशन में आज तक किसी ने सुनी तक नहीं होंगी। छह लोग हैं क्या? नहीं, चार गनमैन हैं उसके साथ, हिफाजत करते हैं उसकी। नीचे बुला लो ना उसे, ऊपर बिठाने की क्या जरूरत थी? फिल्मों में देखा है मैंने, जब किसी की याददाश्त खो जाती है ना तो उसे भूल जाने वाली पुरानी जगहों पर ले जाते हैं। ट्राई करके देख लें। भागने की नहीं, लड़ने की बात कर रहा हूँ। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। उठो, जाओ यहाँ से, उठो। एक शर्त पे भागूंगा। शर्त बोलो, जल्दी बोलो। मैं भाग जाऊंगा तो तुम लड़ोगे उनके साथ। डन, तू निकल, मैं उनसे लड़ूंगा। कराची क्यों आए हो? नौकरी के लिए? बड़ा। वैसे क्या तुम छोटे आदमी हो? बड़ा आदमी अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हारे गनमैनों को चाय दे दी है मैंने, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अरे नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरी बात मान ली, चाय पीने पर राजी हो गए, थैंक यू। पियो। इस कमरे को देखकर लगता है कि तुम यहां से चले गए। रोज साफ करती हूँ और सब चीजें वैसे ही रख देती हूँ जैसे तुम लोग रखा करते हो। याद तो आता होगा ना? क्या क्या याद आता होगा? ये कमरा, बाबू हमीद और क्या। और ये तुम्हें याद ही नहीं कि तुम्हारे 2100 रुपए हमारी तरफ निकलते हैं। महीने के आखिरी 7 दिन तुमने खाना नहीं खाया ना, जाते हुए ले जाना। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? हिसाब की बात कर रही हूँ। जब अपनी तरफ नहीं रहने दिया तो मेरी तरफ क्यों रखते हो? अपना बैग तो तुम यहीं भूल गए, उस दिन निकाल कर देखा है मैंने। तुम्हारे अम्मी अब्बा की एक तस्वीर, आरफा की फोटो और एक पुराना सा मोबाइल निकला उसमें से। घबराओ मत, मोबाइल को बस बाहर से देखा, उसके अंदर कुछ नहीं देखा। हाँ, मगर तुम्हारी अम्मी अब्बा की तस्वीर देख ली और आरफा की शक्ल याद कर ली। उससे कभी मिलूंगी तो फौरन पहचान लूंगी। तुम भी कभी मिलोगे मुझसे तो पहचान लोगे ना।
मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि अब कभी मुलाकात ही ना हो, या फिर दोबारा मिलने में बरसों लग जाए। तो प्रॉमिस करो, कभी मिल गए तो ये नहीं कहोगे कि मैंने आपको कहीं देखा है। पता है, जिस तरह दिल का दूसरा अटैक बुरा होता है ना, उसी तरह दिल का दूसरी बार टूटना भी बुरा होता है। तुमसे मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं यास्मीन, तुम्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ये तो मुझे भी पता है, यास्मीन कोई भूलने वाली चीज थोड़ी है। पर तुम मुझे याद क्यों करो? और अगर किसी ने याद करते हुए देख लिया तो क्या कहोगे? यास्मीन क्या लगती थी तुम्हारी? कहना मालिक मकान लगती थी। नहीं, कहूंगा यास्मीन मुझे अच्छी लगती थी। तुम भी कभी मिलोगे मुझसे तो पहचान लोगे ना। मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि अब दोबारा कभी मुलाकात ना हो, या फिर अगली मुलाकात में बरसों लग जाए। तो प्रॉमिस करो, कभी मिल गए तो ये नहीं कहोगे कि मैंने आपको कहीं देखा है। पता है, जिस तरह दिल का दूसरा अटैक बुरा होता है ना, उसी तरह दिल का दूसरी बार टूटना भी बुरा होता है। तुमने दरबार पे वादा किया था ना कि तुम 7 दिन लगातार आओगी, आज नहीं जाओगी क्या? जब 7 दिन का काम 1 दिन में हो गया तो अब क्यों जाऊं? वो जाते हुए कह गया कि यास्मीन तुम मुझे अच्छी लगती हो, तो बस मेरी मुराद पूरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो तुम्हें। किस बात की मुबारकबाद? सिप्तैन के मम्मी पापा आज कराची लैंड कर रहे हैं और सुना है कल यहां भी पहुंच जाएंगे। यहां मतलब हमारे घर। नाश्ता तो करो। उसके पापा बड़े मजे के आदमी हैं भाई। अंग्रेजों की ये लंबी लंबी तारीफें करते हैं और उसके बाद बड़ी सी गाली देते हैं। लेकिन एक बात पे तो तरस आ गया। बोले यॉर्कशायर में सब कुछ मिलता है लेकिन ढंग के दाल चावल नहीं मिलते। अरे तो आप कह देते ना कि हमारी फरा दाल चावल बहुत अच्छे बनाती है। अरे मुझे दाल चावल बनाने कहाँ आते हैं? तुम फिक्र मत करो, शादी से पहले सब सिखा दूंगी। Excuse me. नाश्ता नहीं करोगी? नाश्ता तो कर लिया। चाय तक तो पी नहीं तुमने। चाय तो अब अफजल के घर पीऊंगी। अफजल मतलब आरफा, उसका फोन आया था, कह रही थी कि उसकी अम्मी बहुत याद कर रही है मुझे। चली जाऊं? खैर चली तो तुम परसों भी गई थी और वहां पहुंचकर बताया था कि तुम अफजल के घर पर हो। भाई बुलाया है तो चली जाओ,
मेरी तरफ से भी सलाम कहना और हाल अहवाल पूछ लेना। मैं भी चलूं? तुम क्या करोगी जाकर? तुम क्या करोगी वहां जाकर? मेरा मतलब है ऐसी गपशप आउटिंग के लिए, और फिर हम दोनों को देखेंगे तो ज्यादा खुश हो जाएंगी वो। हाँ तो ले जाओ ना, और फिर आरफा पहले इसकी दोस्त है बाद में तुम्हारी। आ जाओ। तेवर ठीक नहीं लग रहे मुझे। दाल चावल बनाना सीख लेगी तो तेवर भी ठीक हो जाएंगे। ये तस्वीर किसने लगाई यहां पर? ये सिर्फ एक अब्बा की तस्वीर होती ना तो सीने से चिपकाए हुए फिरता मैं इसको, लेकिन ये मौलवी सुभान अल्लाह की तस्वीर, महीने के हलाल 10,000 रुपए कमाने वाले अफजल के अब्बा। मेरी जेब में जुए के 98,000 देखकर तड़प जाते थे, अब करोड़ों देखेंगे तो सोचो क्या करेंगे, या फिर ये सोचो कि मैं क्या करूंगा। और ये हक की तरफ से बातिल के साथ लड़ने वाले अब्बा के लश्कर की सिपा सालार थप्पड़ मारकर सारा कुफर मलिया मेट कर देती। उतार दो इस तस्वीर को। वरना ही मुझे देखते रहेंगे और फिर से अपनी शक्ल भी नहीं देखी जाएगी। अरे बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखो आरफा और लुबना दोनों आई है। यहाँ मेरे पास ले आओ ना उनको, तीमारदारी करने के लिए आई हैं। बीमार बीमार नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ही एक्टिंग करके दिखा रही है। मैं भी साथ आई हूँ, मेरा भी हाथ थाम लो, फायदे में रहोगी। आप यहाँ बैठकर क्या करेंगे? वो तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम फरा को देखती हो तो अफजल को देख लेती हो, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर बैठकर अपने अफजल को देख लूं। वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, पर सबीले तस्करा उसके मुंह पर कहोगे तो बुरा मान जाएगा। नहीं नहीं बुरा नहीं मानूंगी। बीमार बीमार नहीं हूँ, यूं ही एक्टिंग कर रही हूँ। देखा, यही कहा था ना मैंने। मैंने सुन लिया था मौलवी साहब। चाय बना। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती रोज आती रहती, मसरूफियत हो जाए तो फोन पर बात कर ले। नहीं नहीं मैं रोज आ जाया करूंगी। दर्दमंद हूँ बहुत, बीमार पर तरस खा लेती। नहीं नहीं आंटी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। कोई बात बात हुई उससे? उस दिन टीवी पर देखा था, किसी वजीर के साथ लगकर खड़ा था।
ये समझते हैं कि वो अफजल है। अरे वो अफजल ही था रुकैया बेगम, भले सरसरी सी झलक देखी थी मैंने उसकी, मगर मैं बाप हूँ उसका। वो पीठ मोड़ कर भी खड़ा हो तो मैं पहचान लेता हूँ उसको। देखो तरा टीवी पर आ गया, पलट कर घर नहीं आया। आएगा, एक दिन आएगा। तुम भी अब मेरी तरह सोचने लगी हो। आप कहाँ चल दिए? मैं चाय के साथ कुछ खाने को ले आऊँ ना? नहीं नहीं, कि कोई जरूरत नहीं है। जाने दो उनको, जाने का बहाना कर। बहाना क्यों? वो तुमने कहा ना एक दिन आएगा जरूर, सुनकर बुरा लगाया उनको। अरे जिसके लिए तड़प रहे हैं उसका आना बुरा लगेगा? इसीलिए तो मैं भी बीमार बैठी, फतवा देकर इस्लाम से खारिज कर दिया है उसे। बेटे के लिए तड़पते हैं लेकिन काफिर को घर में पैर नहीं रखने दे। हमें बुलाओगी ना मंगनी पर, या पहली मंगनी के उम्मीदवार समझ कर रद्द कर दोगी? देखो मैं तो उस बात को भूल भी चुकी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। परा की शादी हो रही है। अरे तुम्हें किसने बताया? परसों खुद बता कर गई थी वो। देखो तो। हाँ देख रही हूँ, अब एक एक करके सब कहानियां खत्म होने वाली। एक दिन अपनी डायरी में बैठ के लिखा करूंगी। एक थी परा मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन, और एक थी मेरी बेस्ट फ्रेंड। अब पता नहीं कहाँ होती हैं दोनों। साथ ही एक पेज पे लिखूंगी, एक था अफजल, जान से भी प्यारा भाई था, मगर जान प्यारी नहीं थी उसे। कुछ नहीं होगा उसे, वो लौट आएगा। एक देखना पहले की तरह पुरानी कॉलोनी वालों के साथ जुआ लगाकर मैच खेलेगा। शादी किससे हो रही है? यहाँ एक साइकाट्रिस्ट है उसके साथ। अफजल से अच्छा है वो? मेरा मतलब है अच्छा तो होगा, बहुत पसंद आ गया उसको? चाय उबल रही है। हाँ पसंद करना पड़ा उसे, अब्बा का हुक्म था कि अब कोई ज्यादा मर्जी नहीं चलेगी। उसको भी लगा कि अब पसंद करने के सिवा कोई चारा नहीं। शादी कब हो रही है? इस अफरा तफरी में तो लगता है जल्दी हो जाएगी। मुझे तो पहले ही पता चल गया, जिस दिन अफजल ने वली का मर्ज किया, मैंने कहा फरा तो आप कर। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाली साहब, कैसे मिजाज आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। क्या लेंगे आप? बस ये कुछ बिस्किट्स, एक फ्रूट केक और ये केक रस। अरे बेटा मुंह देख रहे हो आप, वाली साहब को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाओ। नहीं नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। अच्छा ये तो आपने पूछा ही नहीं कि कितने बिस्किट और कितने केक रस। अरे मौली साहब, एक एक किलो ही दोनों डलवा रहा हूँ मैं। नहीं 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 मियाँ, एक एक किलो नहीं, एक एक पाओ। ये मुझ पे छोड़ दीजिए मौली साहब। क्यों मियाँ, जरूरत मेरी है तो मंशा भी मेरी होगी। वो क्या है कि मैं पैसे भी पाओ के हिसाब से लाया हूँ। तो पैसे कौन मांग रहा है मौली साहब आपसे? पैसे नहीं मांगोगे मियाँ? क्यों? घर वाली बात है मौली साहब, अफजल आपका बेटा है, समझिए अपना भाई है, तो भाई से कौन पैसे लेता है? जब मैं खाली खुली बात था तो तब तो ले लेते थे, तब तो ये नहीं सोचा था कि बाप से कौन लेता है पैसे। ये रख लो अपने बिस्किट और केक रस, इनके बारे में तुमने हराम गुफ्तगू कर दी है। मौली साहब, अरे अरे जब से वो भाग कर गया है, मौलवी साहब आहिस्ता चलने लगे, बेकरी पर देर से पहुंचे होंगे। अब उनको रोक लेती ना, खामखा जाने दी आप। जाना भी जरूरी था, गुस्से में आ जाए तो 200 कदम लाजमी चलते हैं। अच्छा चलो चाय पियो और आंटी की मोहब्बत पर गुजारा करो। सीधे शादी की तारीख पड़ेगी या मंगनी होगी? पहले पहले मंगनी होगी, और मंगनी तो समझे इसी हफ्ते में हो जाएगी। हमें बुलाओगी ना मंगनी पर, या पहली मंगनी के उम्मीदवार समझ कर रद्द कर दोगी? देखो मैं तो उस बात को भूल भी चुकी। कहाँ भूली हैं आप, मैं भी कहाँ भूली। मेरा दुख देना याद है मुझे, और आपका दुख सहना भी याद है। अब किसी की अंगूठी पहनूंगी तो वो अंगूठी याद आएगी जो मौलवी अंकल ने अपनी जेब में वापस रख ली थी। आपको कसम है मेरी शादी हो जाए तो मुझे दुआ मत दीजिएगा, मेरा नाम लेकर कहिएगा जाओ फरा, हमने तुम्हें माफ किया। आज इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, तो पी है ना? जी हाँ। तो प्रियास किसने रुला दिया? शादी हो रही है ना इसकी, तो बिछड़ जाने के गम में रो रही है। ओह अच्छा, तो यूं कहो रसमन रो रही है। कल परसों आओ तो रोना मत, मैं तुम्हें कोकोनट वाले बिस्किट खिलाऊंगा। हाँ।
वो शायद पहली लड़की है जो तेरे लिए तड़क के रोई है, इसलिए तुझे याद आने लगी है उसकी। शादी कर ले उससे। मोहब्बत में तुझे कुछ नहीं मिला, तू किसी को कुछ देकर हिसाब पूरा कर ले। पागल हो गए हो? जिंदगी के बचे हुए 4 दिन देकर उसके 40 साल बर्बाद कर दूंगे? मोहब्बत को 4 दिन मिल जाए तो 40 साल की परवाह नहीं करती। मैंने उसका हाल देखा है, वो तुझे 1 बार देखने में 100 बार देख लेती है। अल्लाह बख्शे मेरी माँ को, वो कहती थी बेटा शादी उस लड़की से करना जो तुमसे मोहब्बत करती हो, उससे ना करना जिससे सिर्फ तुम मोहब्बत करते हो। 4 महीने उसने बहुत ख्याल रखा मेरा यार। वैसे तो लड़ाका है बहुत, देखकर लगता नहीं है कि उसे किसी से मोहब्बत हो सकती, लेकिन मोहब्बत को दुत्कारने का गुनाह करोगे तो ये लेकिन तुझे मार डालेगा। कहीं बैठ के हंसेगा तो इस ख्याल से तड़प उठेगा कि वो तुझे याद करके रोती है। तो फिर एक काम कर, अब कभी ना याद करना उसको, ये भी ना याद करना कि 4 महीने उसने तेरा बहुत ख्याल रखा है, और ये भी कि जब वो रोती है ना तो तुझे उस पर तरस आ जाता है। नहीं याद करूंगा। आजकल यॉर्कशायर में 100 से ज्यादा अंग्रेज जो है वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं आजकल, एंड इन क्रेडिट गोज़ टू मी। बदला ले रहा हूं उनसे। सालों ने जिस तरह हिंदुस्तान को बर्बाद किया है ना, इसी तरह गिल्ली डंडा खिला खिला के मैं उनको बर्बाद कर लूंगा। लेकिन भाई साहब, वहां पर अकेला आदमी भी एक पूरी कौम है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए वो गिल्ली डंडा खेलने से भी बर्बाद नहीं होंगी। यहाँ बैठिए। इस कमरे की हिस्ट्री मालूम है मुझे, जब भी किसी को जलील करना हो तो आप यहाँ लेकर आती हैं। आज इस कमरे की हिस्ट्री बदलने वाली है। मैंने आपको यह बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि मैंने आपसे शादी का फैसला कर लिया। क्या? थम के रहिए और पूरी बात सुनिए। सुन रहा हूँ। बस दिल की बात ही नहीं सुनते आप। वो तो अब सुनता ही रहूंगा। और आप अच्छे साइकेट्रिस्ट भी नहीं है। देखिए, मुझे चाहे गाली दे लीजिए लेकिन मेरे प्रोफेशन पर उंगली मत उठाइए। आपको पता है हमारी बस शादी होगी, हमारे बीच मोहब्बत कभी नहीं हो सकेगी। आई डोंट केयर, शादी के लिए मोहब्बत की जरूरत ही नहीं है। यू नो, साइकोलॉजिकली मोहब्बत कोई फीलिंग नहीं होती। मिलाप उसला कर काम निकालने का तरीका है, लेकिन शादी तरीका नहीं कॉन्ट्रैक्ट है। 2 पार्टियों के दरमियान जिंदगी भर के लिए होने वाला कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया इधर की उधर हो जाए कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। तो आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। मैं सकब का मानता हूं लेकिन मोहब्बत में शादी को नहीं मानता। यू नो, मेरे पास तो ज्यादा पेशेंट्स भी वही हैं जिन्होंने शादी से पहले मोहब्बत की हुई थी। तो किसी को मोहब्बत करते हुए देखूं तो कहता हूं साले तू मेरे पास ही आएगा। मेरे साथ यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? आप जैसे घटिया आदमी से मेरी शादी हो रही है।
दिस इज वेरी इंसल्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट में बात खसूसी तौर पे लिखी जाएगी कि आप इस तरह मुझे बार बार इंसल्ट नहीं कर सकती। नाक में उंगली क्यों डाल रहे हो? इधर आ, इधर आ, आओ इधर, हाथ निकालो, ऐसे रखो ऐसे। अरे अरे मारना मत। मार नहीं रही अम्मी, डरा रही हूँ बस। जाओ बैठ जाओ, और अब खबरदार जो नाक में उंगली डाली है तो। अच्छा हम कहाँ थे? अम्मी देखिए जरा कौन आया है। देखती हूँ। इफ्रा, मैं पढ़ा रही हूँ और तुम सो रही हो। इधर आओ, आओ इधर। हाथ निकालो, ऐसे रखो सही से। अरे मारना मत। अरे मार नहीं रही, डरा रही हूं बस। चाय बहुत अच्छी है, तुम इसे देखकर हैरान क्यों हुए? अगली मुलाकात अगले दिन हो गई ना इसलिए। लेकिन तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? असल बात करो ना। असल बात? कल तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आगे बात करो। देखो क्या है कि मैं जरा क्लियर कट साफ साफ बात करने वाली लड़की हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम जैसा डॉन टाइप का आदमी आधी बात करे और आधी बात मुंह में दबाकर बैठा रहे। कल एक और बात भी की थी तुमसे। मैं भूल गई शायद, याद दिलाओ मुझे क्या कहा था। तुम भी भूल गए ना? भूलोगे कैसे नहीं, तुम्हारे मेमोरी लॉस के लिए मेरा ये ख्याल ही काफी है। डटकर सामने बैठ जाऊं तो याद क्या रहेगा तुम्हें? और फिर सरप्राइज मुलाकात में कौन बेवकूफ कहेगा कि सुनो जाने में मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मर्द बनो अफजल, सुभान अल्लाह। मुझे जहर लगते हैं वो लोग जो आई लव यू कहने से पहले सियासत पे बात शुरू कर देते हैं। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ यासमीन। बिछड़ गया। ये हुई ना नहीं बात, अब लग रहा है कि मटके बच्चे हो। बस इतना ही या इससे आगे भी कुछ कहोगे? मतलब नाम क्या है उसका, कहाँ रहती है? वैसे तो जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं लड़की हूं ना, तो इस तरह के बेतों के सवाल भी पूछ लूंगी। शकल की कैसी है? खैर शकल को तो गोली मारो, मोहब्बत कहां देखती है कि लड़की यास्मीन की तरह खूबसूरत है भी या नहीं। कहीं वही तो नहीं है जो हैदराबाद से आई थी, फरा, फरा इब्राहिम? लो उसे तो देखकर ही मेरी बाईं आंख फड़क गई थी। नाम नहीं बताऊंगा उसको। क्यों? मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तो वन साइडेड चल रहा है सबको। देखा, अम्मी की बात सच निकली ना, निकल आई ना एक लड़की, और तुम इतने बड़े मीसने हो कि 5 महीनों तक पता ही नहीं चलने दिया। मुझे भी पता नहीं चलने दिया।
अच्छा नाम ना बताओ, ये तो बता दो कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत है वो। वो बहुत खूबसूरत है यार, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। लूजर। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये अंगूठी पसंद नहीं है मुझे बस। अरे वाह, 170,000 की अंगूठी तुम्हें पसंद नहीं आई, तो फिर क्या पसंद है तुम्हें? उनसे कह दीजिए ना, अंगूठी मैं अपनी पसंद से ले आऊंगी, ज्यादा महंगी भी नहीं होगी। एक ही बार कह दो ना सब कुछ और चेक कर लो कि यास्मीन में दम कितना है। अब नहीं आऊंगा यास। देखा, जब से मर्डर करने लगे हो जान लेने के नए नए तरीके सीख लिए हैं तुमने। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को